हेलो बच्चों, अब बिलस्य वाणी ना कदापि मे श्रुता का इस पाठ का अब हम लास्ट श्लोक है जो वो पढ़ेंगे। तो अनागतम यह कुरुते स शोभते, स सोच्यते यो न करोत्य नागतम। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी ना कदापि मे श्रुता। अब जो दूर चला जाता है गिदड़ और फिर वो ये कहता है, अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो आने वाले संकट को, जो संकट के बारे में विचार करता है, अनागतम आने वाले, यह जो आने वाला कोई भी आगे भविष्य में जो संकट है उसके विचार, उसके बारे में जो विचारता है या जो सोचता है वो हमेशा शोभते, यानी कि सुशोभित होता है हमेशा। और जो स सोचते यो ना करोत्य नागतम, और जो आने वाले जो संकट है, जो कष्ट है, उसके बारे में नहीं सोचता, तो वो हमेशा चिंता या शोक सोचते, चिंता और शोक में रहता है, क्योंकि वो कष्ट या जो दिक्कत आने वाली है उनके बारे में जो नहीं सोचता, वो हमेशा चिंता में रहता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। वने अत्रम संस्थस्य समागता जरा, और मैं इस वन में रहते हुए समागता जरा, यानी मैं बूढ़ा हो चुका, इस वन में रहते रहते शुरुआत से अब अंत तक मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन परंतु बिलस्य वाणी ना कदापि मे श्रुता, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में बिलस्य गुफा की वाणी कदापि मेरे द्वारा कदापि कभी भी ना श्रुता और नहीं सुनी गई है। और इसी श्लोक में जो श्रृगाल जो गीदड़ है वो जो ये लास्ट श्लोक कहता है और उसी के जो लास्ट लाइन है आपकी, ये बिलस्य वाणी ना कदापि मे श्रुता, तो इसी पे ये आपका पाठ का नाम पड़ गया है कि गुफा के द्वारा मैंने कभी कोई वाणी आज तक नहीं सुनी। तो चलिए बच्चों, ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। पढ़ने का प्रयास करें, कठिन शब्दों के लिए आप अपने शब्द अर्थों को देखें, एक बार, दो बार, तीन बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको सरलता होगी समझने और सीखने में संस्कृत। चलिए, धन्यवाद।